हेलो भाई लोगों, मेडिकल कंप्लीट हो गया और ए टू फिट हो गए हैं। सुबह 8:30 बजे गए थे, अब जाके रोटी खाने को नसीब हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ क्या क्या हुआ, पूरा मैं आपको रिव्यू डाल देता हूँ अहमदाबाद का। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ, 10 फ़ोटो लेके आना कम से कम, 10 फ़ोटो भाई, 10 फ़ोटो की ज़रूरत पड़ रही है। 4-5 तो लग रही है मेडिकल वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, और 3 लगी हैं आज, तो 8 फ़ोटो टोटल लगी हैं, और एक दो आप एक्स्ट्रा रख लेना। देखो मैं बता देता हूँ क्या क्या इम्पोर्टेंट हुआ। 8:30 बजे हम पहुँचे, उसके बाद हमें लाइन में लगाया गया, दो ग्रुप बना दिए गए। 33 बंदे थे तो 16 और 17 के दो ग्रुप ए और बी बना दिया गया। एक को एक्सरे में भेज दिया, एक को यूरिन टेस्ट के लिए भेज दिया, और मैं ए ग्रुप में था तो मेरे को यूरिन टेस्ट के लिए भेजा। सबसे पहले यूरिन टेस्ट कराने में 5-10 मिनट लगी, उसके बाद हमें भेज दिया वहाँ से आई टेस्ट के लिए। आई टेस्ट के डिपार्टमेंट में ही हाइड्रोसिल हुआ और पाइल्स वगैरह चेक हुआ। कपड़े पूरे उतरवा दिए गए थे, कच्चे कच्चे में रखा था, और वो भी बाद में उतरवा दिया गया था, और वो फिर दोबारा पहना के उठक बैठक करवाई 10। उसके बाद स्टेथोस्कोप लगा के हार्ट पे चेक किया, और फिर हमारा क्या है, नियर विज़न टेस्ट लिया गया। तो नियर विज़न टेस्ट होने के बाद हमें इशारा टेस्ट देखा गया, और स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, कोई परेशानी नहीं होने देता, और आराम से आपको लगेगा कि कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर ये करते करते 2-3 घंटे लग गए थे, 1:30 बजे के लमसम लंच हो गया था उनका। तो फिर 2:15 पे हम दोबारा गए, 2:15 पे हमें डिस्टेंस विज़न का जो टेस्ट है वो किया, दूर बिठा दिया गया। वहाँ से सी चेक कराया गया और पूछा गया कि सी का किधर है, तो आपको लेफ़्ट ऊपर नीचे ये बताना है, और उसके बाद लाइट लाइट जला के, मतलब डार्क रूम टेस्ट जो होता है बंद कर दिया गया, और उसके बाद मतलब लाइटें बंद कर दी और डार्क रूम टेस्ट हुआ। लाइटें बतानी थी कितनी जल रही हैं, और बिल्कुल साफ दिखता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, दिक्कत वाली बात उन्हें चश्मे जिनके लगे हुए हैं, तो जिनके चश्मे लगे हुए हैं वो चश्मा बनवा के लाएँ, ठीक है भाई साहब? अगर चश्मा बनवा के नहीं लाए तो आपको दिक्कत होने वाली है, यहाँ भागना पड़ेगा। चश्मा बनवा के लाएँ, तो जितने भी चश्मे वाले थे उनको एक दिन बाद में बुलाया, एक दिन बाद में बुलाया गया, अब कल वो जाएंगे। और बाकी जो चश्मे नहीं लगे हुए हैं, नॉर्मल कैंडिडेट है मेरी तरह, उनका आज ही फिट कर दिया। उसके बाद लास्ट में हमारा हुआ बीपी चेक। बीपी चेक में भैया क्या हुआ, सबका बीपी लगा रहे थे तो हाई जा रहा था। फर्स्ट टाइम मेरा लगाया तो 160 आया, और 91 आया जो लो वाला होना चाहिए, 80-120, और सभी का 157-158 आ रहा था। फिर उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया, दोबारा लगाया तो मेरा फिर 177 कुछ आ गया। फिर उन्होंने कहा कि भाई एक बार और मौका दे रहे हैं। फिर तीसरी बार लगाया तो मेरा 180 चला गया, उन्होंने बोला चल पास है, तो ऐसे ही कर दिया। तो वो आपको बीपी में कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और एक और जो प्रॉब्लम आ रही थी कि बॉडी मार्क की, तो बॉडी मार्क आपने फॉर्म में भरा है या नहीं भरा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ आने के बाद वो चेक करके आपकी बॉडी से खुद भर रहे हैं बॉडी मार्क्स, ठीक है? और फ़ोटो तो याद रखना, 8 तो लेके ही आनी है, और 10 फ़ोटो रख लेना, एक दो एक्स्ट्रा ही रख लोगे तो बढ़िया है। और कोऑपरेटिव स्टाफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, देखो हल्की फुल्की सख्ती है अगर आप उनकी बात नहीं मान रहे। अगर उन्होंने कह दिया कि भाई यहाँ खड़े रहो तो वहाँ खड़े रहना, अगर इधर उधर नाचोगे तो वो धमका दे रहे हैं, ठीक है? उन्होंने एक बार वो आपको बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे करना है, कपड़े उतारने हैं, उधर देखना है और खांसना है, तो आप वही करना। बार बार उनसे पूछोगे तो बहुत बच्चे हैं, तो वो थोड़ा सा क्या है भाई, गुस्से में आ जाता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है, आराम से आपका कोई परेशानी नहीं होने दे रहा। मतलब हाँ, जिनको थोड़ा चश्मे लगे हुए हैं उनको एक दिन का टाइम मिल रहा है, अगले दिन उनको बुलाया जा रहा है, और बाकी मेरे को नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत आई। 33 बंदे बुलाए गए थे, सारे के सारे प्रेजेंट थे, और कईयों के बाइनोकुलर टेस्ट हुए, उसमें दिक्कत आई तो उनको कल बुलाया गया है। थोड़ा आँख जिसकी ख़राब थी, चश्मा लगा हुआ है, उनको कल बुलाया गया। बाकी पास सबको कर दिया। बीपी जिसका हाई हो रहा था, मैं ही उसमें तो बीपी हाई हो रहा था, वो बोले कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हुआ, और उसके बाद हम
अब फ्री हो गए हैं, अब मतलब 3-4 बज गए, आज पहला दिन था ना तो काफ़ी लेट हो गए। और मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई टेंशन मत लो, अगर कोई वीडियो में आपको ऐसे डरा रहा है कि बहुत खतरनाक हुआ ये हुआ, कुछ नहीं हुआ भाई, बिल्कुल आसानी से हुआ। हाँ थोड़ा बहुत वो कहते हैं, मतलब धमकाते हैं, मतलब दिखाते हैं कि भाई वो डॉक्टर हैं, लेकिन बाकी कुछ नहीं है। बहुत लास्ट में आते आते तो इतने घुल मिल गए थे कि देख लो यार, मेरा बीपी 187 था, यूँ बोला तू जा यार, पास कर दिया, ठीक है। तो बीपी का कोई इशू नहीं हुआ, मतलब इतने आसानी से हो गया। और मेरा रतलाम में था, खाली पेट जाना सुबह, ये याद रखना। और तो कुछ है नहीं, और कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है किसी चीज़ में तो पूछ लेना, बाकी तो मैंने सारा ही बता दिया। मेरे को नहीं लगता कोई चीज़ रह गई है। टेस्ट बता देता हूँ एक बार क्या क्या हुए हैं। एक तो हुआ है टॉयलेट यूरिन टेस्ट हुआ है, डिस्टेंस विजन हुआ है, नियर विजन हुआ है, ठीक है। और ब्लड शुगर टेस्ट नहीं हो रहा, और रतलाम में ECG भी नहीं हो रहा। हाँ ये ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, और बस यही जो टेस्ट थे, ये 4-5 यही थे। पाइल्स हो रहा है और हाइड्रोसिल हो रहा है। ये हाइड्रोसिल में किसी को दिक्कत नहीं आई, पाइल्स में भी किसी को दिक्कत नहीं आई, सब पास कर दिए गए। एक हाइड्रोसिल में बच्चे को दिक्कत आई थी, उसको भी पास कर दिया, यूँ का कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का वो उन्हें लगा था तो वो पास कर दिया। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं दे रहे, सबको ऐसे ही अच्छे से। और आपकी आँखें सही है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ आई टेस्ट अच्छे से कर रहे हैं, उसके बाद कोई टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं आ रही। आई टेस्ट को वो टाइम लेके कर रहे हैं, आराम आराम से करवा रहे हैं, ठीक है। और आपकी आईज अच्छी हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं लेनी है, वहाँ 6x9 चेक हो रही है, 6x6 चेक नहीं हो रही है, A2 मेडिकल दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो भाई कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।